एमपी न्यूज लाइव आप देख रहे हैं और हम रुक करने वाले हैं इस वक्त की खास खबर की ओर, जो कि भेजी गई है साउथ खान जिला ब्यूरो चीफ की तरफ से। जी राजगढ़ मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी अपडेट। सब इंस्पेक्टर ने सिंघम वाले अंदाज में दुकान में घुसकर कर्मचारी को पिटका। जी राजगढ़ जिले के जीरापुर में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने 300 रुपए की वाटर बोतल नहीं बदलने पर मंगलवार शाम सिंघम स्टाइल में दुकान में घुसकर कर्मचारी को पीटा। दुकान के कर्मचारी ने सब इंस्पेक्टर के बेटे खरीदी गई वाटर बोतल बदलने से मना कर दिया था, जिससे सब इंस्पेक्टर भड़क गए। उन्होंने पहले दुकान में बोतल फेंकी और फिर दुकान में घुसकर कर्मचारी को पीट दिया। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जीरापुर थाने में सब इंस्पेक्टर रामलाल आजाद और उसके बेटे पर मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हो गया है। आजकल कानड़ में पदस्थ हो गए हैं। उनका बेटा 3 दिन पूर्व मेरे से बाटल लेकर गया था, तो मैंने उसको बाटल दी थी। उसके बाद मेरा कुछ भी मैटर नहीं है। कल उनका बेटा वापस आया तो उनको योगेश जी गांवकर ने समझाया करा और बाटलें दिखाई, सब मैटर हो गया, समझा कर उनको भेज दिया। उसके बाद उनका बेटा अचानक आया, उनने मेरे ऊपर बाटल फेंकी। मैंने उसको बुलाया तो बेटे के साथ उनके पिता भी आए और मेरे साथ धुमाधड़ी की, मारपीट भी करी और काउंटर कूद कर अंदर आए। मारने की धमकी थी उन्होंने कि तेरे को तो गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा मैं।